हेलो गाइस, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गोलीय दर्पण में प्रयुक्त प्रमुख भाग। तो आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहला है हमारा, जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तो यहां पे हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुका है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। फिर यहां से फिर जो प्रकाश किरण आती है अनंत से, तो ये जिस जगह पे काटती है इसे हम लोग फोकस कहते हैं। और ये दोनों ये जो डिस्टेंस है इसका अगर हम लोग डबल कर दे तो यहाँ पे आपका केंद्र होगा। जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तब ये फोकस पे काटती है और फिर जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तब ये फोकस पे काटती है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वो फोकस पे बन रहा है। तो ये जिस बिंदु पे काटेगी ना उसे हम लोग वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रतिबिंब में जो बना उसका हम लोग खासियत देखेंगे। तो पहला आपका हो जाता है स्थिति। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, जैसे कि ये लाइट रे आ रहा है यहां पर से, कहाँ पे काटा, फोकस पे, ये भी फोकस पे। तो जो प्रतिबिंब आपका होगा ना वो फोकस पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस साइज का है, तो बिंदु साइज का। तो सबसे पहले आपका स्थिति क्या होगा कि प्रतिबिंब जो होगा आपका फोकस पर। फिर सेकेंड आपका हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या, उसका टाइप क्या है। तो सेकेंड आपका है प्रकृति। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आ रहा है ऐसे टकरा करके लाइट रे वापस लौट रहा है इधर से भी। तो ये प्रतिबिंब के, ये दर्पण के सामने है। तो जब भी दर्पण के सामने बनता है ना प्रतिबिंब तो वो हमेशा उल्टा ही होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका है, ये तो रियल में बन रहा है ना, दर्पण के पीछे नहीं बन रहा, दर्पण के आगे बन रहा है। तो ये आपका बन रहा है क्या बोलते हैं, वास्तविक और उल्टा। थर्ड आपका हो जाएगा साइज। तो प्रतिबिंब जो है वो आपका बिंदु साइज का बन रहा है, मतलब बहुत छोटा है ये। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जब प्रकाश किरण किसी और प्लेस से आती है। तो गाइस, हम लोग जो भी ये सारी चीजें देख रहे हैं वो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है। तो सेकेंड आपका है कि जब वस्तु जो है ना वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष, ये आपका पोल, ये आपका फोकस और ये आपका केंद्र। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहां पे, ए बी एक वस्तु है। अब यहां से तो यहां पे देखते हैं और फिर सेकेंड हम लोग काटेंगे तो
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका ए बी जो है आपका वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, दैट इज हियर। यहाँ पे ध्यान देंगे जब भी ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा ना प्रतिबिंब, तब आपका होगा और मतलब वास्तविक और सॉरी सीधा, और जब भी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो आपका प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब का विशेषता देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे तो सबसे पहले आपका होगा प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसकी स्थिति क्या होगी, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, और आपका प्रकृति क्या होगा, तो दर्पण के जब भी इधर साइड में बनता है बाहर, तो वो जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दर्पण के पीछे बनता है वो काल्पनिक होता है। तो ये तो वास्तविक बन रहा है और ये जो है उल्टा है, तो प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा। तो थर्ड आपका हो जाएगा क्या, साइज। तो साइज क्या बन रहा है, ये वस्तु जैसे कि आपको देखने से भी लग रहा है कि वस्तु जो है वो बड़ी है और प्रतिबिंब उसके कंपेयर में थोड़ी छोटी है, तो जो साइज हो जाएगा वो क्या होगा, वस्तु से छोटा। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है अवतल दर्पण में वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। गाइस अब हम लोग देखेंगे थर्ड जो है कि आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो यहां देखेंगे हम लोग ये आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका पोल, ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका हो गया केंद्र वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता सॉरी वक्रता केंद्र, तो यहां पे देखेंगे वस्तु जो है आपका केंद्र पे है, वक्रता केंद्र पे। यहां से ऐसे लाइट रे गया, तो यहां पे काट रही है, तो यहां पे ये काट रहा है इसको, तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश। तो ए बी जो है आपका वो वस्तु है, और ए डैश और बी डैश जो आपका वो प्रतिबिंब है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जो यहां पे बन रहा है आपका प्रतिबिंब, इसकी खासियत क्या है। तो पहले देखेंगे स्थिति, तो स्थिति कहां पे है, ये जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि केंद्र पे बन रहा है। और आपका प्रकृति देखेंगे तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि दर्पण के जब भी बाहर बनता है तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, तो ये क्या है, वो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक। और सेकेंड आपका देखेंगे कि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है आपका उल्टा है, आपका हो जाएगा साइज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ए बी है उसी के लगभग बराबर है आपका ए डैश बी डैश। जब आप इसे स्केल और चांदी सब के वगैरह से हेल्प से बनाएंगे ना, तो ये आपका जो है वो एकदम सेम टू सेम बनेगा, सेम साइज का। तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो आपका वस्तु के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसकी प्रतिबिंब जो बनती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, और आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।